जो होती हैं वो हृदय की भाषाएं होती हैं, वहीं से हम सब बने हैं। जितने भी बड़े लोग हैं वो छोटेपन से शुरू होते हैं। प्रण हुआ अच्छी स्टोरी है, अच्छे लोग जुड़े हैं, भले लोगों ने कलाकार होकर भी, ये हेमंत पांडे हैं, इनके आप व्यक्तित्व पर यदि कभी निष्कर्ष करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि कोई कलाकार भी और बंबई में रहने वाला भी ऐसा वाला मानव होता है। ज़्यादातर उनको फिर व्यापार घेर लेता है। भारतवासियों को मैं नमन करते हुए, हेमंत पांडे जी हैं हमारे साहेब हैं और ये राजेश जी हैं, इन्होंने हिम्मत करके ये सब बटालियन जोड़ी। दोबारा बोलूँगी, पहल है, मुहिम है कि प्लीज़ जाइए, मूवी देखिए, अपनी संस्कृति, कल्चर, भाषा, वेशभूषा, खान पान को बचाने के लिए हमने ये जो है एक पहल करी है। हमारा साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर इसे हिट बनाए। तो जब हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ पहली बार होती है कभी भी आसान नहीं होती, और आसान होती तो वो पहली बार नहीं हो रही होती। तो डर था, बिल्कुल था डर, पर वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज जिस तरीके का रिस्पॉन्स इसको मिल रहा है कि मिक्स नहीं किया गया है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी और हिंदी हर भाषा में जो है कहीं ना कहीं सम्मिलित है, और क्योंकि इसमें हमने आर्मी का परिवेश दिखाया है तो आर्मी के परिवेश में किस तरीके से उनके बीच का जो कन्वर्सेशन है, जो डायलॉग है, वो किस तरीके से हो सकता है, तो इसीलिए हिंदी का उपयोग और प्रयोग भी किया गया है। जानते हैं, मैं यहाँ कुछ अच्छे ईमानदार लोग मिले एक साथ, उन्होंने एक अच्छा ईमानदारी का प्रयास किया अपने रीजन के लिए, जो फाइनली जाकर देश पर ठहरेगा, ये देखिएगा, ये यहाँ से आज इतिहास शुरू हुआ है इस फिल्म के ज़रिए। तो इसलिए ये हमारे परम आदरणीय निशंक जी का, उनकी बिटिया का, आरुषि का, ये जो एक अच्छा प्रयास है। सुना, मैंने देखी नहीं है फिल्म अभी, तो मैंने सुना है कि फिल्म की बहुत तारीफ हो रही है, एंड डेफिनेटली आई वुड लव टू सी इट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आप इस फिल्म को देखना चाहेंगे? ज़रूर 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 देखना चाहूँगा, जब मैं इन लोगों से जुड़ा हूँ और एक अच्छा प्रयास है, एक अच्छी फिल्म है। और मैं ये मानता हूँ कि फिल्म जो होती है ना, फिल्म या भाषा कोई भी, वो एरिया की मोहताज नहीं होती कभी भी। अच्छी चीज़ होती है वो हमेशा हर जगह चलती है। निशंक जी ने कहा था थोड़ी देर पहले कि शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लगती है तो जो एहसास होता है वो माथे को होता है। बस ऐसा ही है कि दर्द हो, विचार हो, कुछ भी हो, अच्छा होगा तो लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा, वो चाहे किसी भी रीजन के हों, किसी भी देश के हों।